नमस्कार, वर्चस्व में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। बात हमने की थी सुनील पांडे और डॉक्टर डॉन की। पहले हिस्से में हमने आपको बताया कि किस तरह से बेंगलुरु में पढ़ाई को छोड़कर वो चाकू उठा लेता है और वापस फिर अपने घर उसे पहुंचना पड़ता है। घर आने के बाद वो रेत के खनन में लग जाता है और उसके बाद धीरे धीरे किस कदर उसका जुनून बन जाता है खून। जराइम की दुनिया में वो अपने आप को एक अहम किरदार के तौर पर आंकने लगता है और इसी तरह से वो आगे बढ़ने की ख्वाहिश लेकर धीरे धीरे आगे चलता है और उसके बाद लूट, अपहरण, हत्या ऐसे वारदातों में उसे मजा सा आने लगता है। जिसके हाथ की हथेली में दरअसल खून की मेहंदी लगी थी वो सुनील पांडे डॉक्टर डॉन के नाम से मशहूर होने लगा था और आगे चलकर वो सफेद पोश भी हो जाता है, यानी राजनीति में एक कद भी हासिल कर लेता है। और इस कद के साथ डॉक्टर डॉन एक नए किरदार में जी रहा था। अब हम उस कहानी को आगे लेके जा रहे हैं क्योंकि उसके रसूख की वो तस्वीर हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाई, जिसमें आपने देखा कि जेल के अंदर बैठकर भी वो अपने गुर्गों के साथ किस तरह से हथियारों को लहरा रहा है, उसका कद कितना बड़ा था। लेकिन अब कद वाकई बड़ा हो चुका था क्योंकि अब साल 2005 में बिहार में दो बार विधानसभा चुनाव होते हैं और दोनों बार सुनील पांडे जीत हासिल करता है जेडीयू की टिकट से और उसके बाद सरकार बनाने में एक खास किरदार निभाता है और यहां से उसका दबदबा बढ़ता है। अब उसे कहा जाने लगा कि दरअसल उसने विधायकों के साथ मिलकर जेडीयू की सरकार बना दी, उसकी हस्ती बड़ी हो चुकी थी। ये दावा किया जाने लगा कि सरकार बनाना, सरकार गिराना ये सुनील पांडे ही तय करता है। सुनील पांडे अब नीतीश कुमार का करीबी भी बन चुका था ये कहा जाने लगा। लेकिन इस बीच अभी बहुत सारा बदलाव होने वाला था। सुनील पांडे की दरअसल असलियत किसी से छिपी हुई नहीं थी। एक बार तो पत्रकार के साथ लड़ाई को लेकर भी वो खूब सुर्खियों में रहा। दरअसल अपने परिवार के साथ पटना के एक होटल में वो ठहरा हुआ था और ये आरोप लगा कि जब होटल के मालिक ने उसे बिल का भुगतान करने को कहा तो वो उल्टे मालिक पर बरस पड़ा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि लगभग 47 लाख का उधार उसे चुकता करना था और 47 लाख के बिल को उस होटल के मालिक ने जब सुनील पांडे से मांगा तो वो उससे ही लड़ने लगा। ये सारी के सारी घटनाक्रम की जो तस्वीरें थी ये कैमरे में कैद हो रही थी और इसी वाक्य को लेकर उसने उस पत्रकार से भी झड़प। हालांकि इस तस्वीर में भी दिखा कि सुनील पांडे इतना ज्यादा नशे में था कि वो सीधे तौर पर चल भी नहीं पा रहा था, यानी अब सफेद वर्दी जो है उसके सिर पर भी चढ़ने लगी थी। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था कि सियासी दूरियां बढ़ने वाली थी। 16 जुलाई 2006 ये वो दिन था जब पटना पहुंचते हैं उस वक्त के एमपी आनंद मोहन, देहरादून से पटना पहुंचते हैं और पहुंचते के एक साथ ही वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही पटना के एसएसपी वहां पहुंचते हैं और आनंद मोहन सिंह को खींचकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर चले जाते हैं, क्योंकि आनंद मोहन उस वक्त सहरसा जेल में था और सीधे तौर पर आकर वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। और इस पूरे वाक्य को सामने आने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर चला और आनंद मोहन से करीबी रिश्ता रखने वाला सुनील पांडे को ये पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं नागवार गुजरता है। और 20 तारीख को ही, महज 3 दिनों बाद 2006 को, सुनील पांडे नीतीश कुमार के खिलाफ ही एक बयान देते हैं और बयान ये होता है कि दरअसल नीतीश सरकार में अफसरशाही ज्यादा हावी हो गई है। ये बयान सीधे तौर पर नीतीश सरकार की किरकिरी कराने को काफी थी क्योंकि उनका ही अपना चेहरा नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहा था। और इसके बाद नीतीश कुमार ने सुनील पांडे को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। सुनील पांडे के इस बयान ने नीतीश कुमार से उसकी दूरियां जरूर बढ़ा दी थी, लेकिन
सियासी मजबूरियां कहिए या जो कहिए, 2010 में नीतीश कुमार एक बार फिर से सुनील पांडे के हो जाते हैं, यानी फिर से सुनील पांडे को टिकट मिलता है और सुनील पांडे यहां भी जीत दर्ज करता है। हालांकि इस बीच में जो डॉक्टर अपहरण कांड की पूरी कहानी हमने आपको सुनाई थी, उस न्यूरोसर्जन की, उस मामले में सुनील पांडे बरी हो जाता है, यानी रसूख उसका अब इतना बड़ा हो चुका था कि कोई सबूत नहीं मिला और न्यायपालिका से उसे आजादी मिली। सुनील पांडे एक बार फिर से जेडीयू के साथ हो चुका था, यानी जेडीयू के साथ मिलकर अब एक बार फिर से सत्ता के गलियारे में वो अपने हनक को दिखाना चाहता था। दिन आगे बढ़ रहे थे, दिन बीत रहे थे, सुनील पांडे की हसरत भी बढ़ने लगी थी। इस बीच साल 2012 में ब्रह्मेश्वर मुखिया, यानी वही ब्रह्मेश्वर मुखिया जिसने रणवीर सेना का साल 1994 में गठन किया था, भूमियारों की ये सेना कहलाती थी, अगड़ों की ये सेना कहलाती थी, और वही ब्रह्मेश्वर मुखिया जिस पर 277 लोगों के जान लेने का मुकदमा दर्ज था, यानी मौत के घाट उतारने का मुकदमा दर्ज था, वो 2011 में बरी होता है। 2011 में बरी होने के बाद वो किसानों की हक की बात करने का बीड़ा उठाता है और किसानों के नाम पर एक संगठन बनाता है। लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया जेल से निकला था और इस साल दरअसल कुछ होता ऐसा है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को बड़े ही करीब से, यानी क्लोज रेंज से 5 गोलियां दागी जाती हैं, एक के बाद एक 5 गोलियां, और ब्रह्मेश्वर मुखिया उसी वक्त मौत के आगोश में चला जाता है। ब्रह्मेश्वर मुखिया को जिसने मारा, ऐसा आरोप लगा कि इस पूरे घटनाक्रम को जिसने अंजाम दिया, रणवीर सेना के इस बड़े चेहरे को जिसने रणवीर सेना को खड़ा किया, उसे जिसने अंजाम दिया, ये सारा आरोप सुनील पांडे पे लगता है। लेकिन सुनील पांडे के खिलाफ कुछ भी नहीं मिल पाता। ये अलग बात है कि सुनील पांडे का भाई गिरफ्तार तो किया जाता है लेकिन बाद में वो भी बरी हो जाता है, यानी ब्रह्मेश्वर मुखिया को किसने मारा ये राज रह जाता है और सुनील पांडे बरी हो जाता है। जबकि ये जानते थे, हमने भी आपको बताया, अदावत की वो जंग ब्रह्मेश्वर मुखिया और सुनील पांडे के बीच में इतनी बढ़ चुकी थी कि सुनील पांडे अब ब्रह्मेश्वर को पसंद नहीं करता था। बहरहाल सुनील पांडे अब आगे बढ़ा, लेकिन 2014 आते आते सियासी माहौल बदल चुका था, सियासी तस्वीर बदल चुकी थी, सत्ता की हवा भी बदल चुकी थी, और इसी आंधी में जेडीयू को महज 2 सीटें मिलती है लोकसभा। ये वो वक्त था जब राजनीति में करवट लेने का दौर चलना शुरू हुआ। सुनील पांडे ने भी शायद माहौल को भांपा और उसके बाद सुनील पांडे ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा में वो शामिल हो गया। हमने आपको बताया था कि 23 जनवरी को दरअसल एक बड़ा धमाका हुआ था दीवानी कोर्ट में और उस धमाके को फिदाइन के तौर पर अंजाम दिया गया था। अब ये जानिए कि उसका मकसद क्या था। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के तह पर पहुंचने के बाद ये पता चलता है कि इस घटना को अंजाम दिया गया था 2 कैदियों को भगाने के लिए, एक अभिषेक उपाध्याय और दूसरा लंबू शर्मा। ये 2 ऐसे गुनहगार थे, ऐसे साथी थे जिनको जेल से, जिनको कोर्ट परिसर से ही रिहा कराने की साजिश रच रहा था सुनील पांडे। हालांकि ये तमाम बातें खुद लंबू शर्मा ने अपने इकबालिया बयान में कहा है और इसी सिलसिले में जब पुलिस ने लंबू शर्मा के बयान के आधार पर सुनील पांडे को बुलाया, लंबू पांडे से सुनील पांडे मिलने आता है और उसे फिर से हिरासत में ले लिया जाता है। यानी एक बार फिर से सुनील पांडे हिरासत में आ चुका था, यानी उसकी आधी जिंदगी या तो कस्टडी में निकल रही थी या नहीं तो गुंडा कर दी। सुनील पांडे को अपने रसूख का एहसास होने लगा। हालांकि उसकी जितनी भी प्लानिंग थी, उसकी जानकारी पुलिस को मिल रही थी, सफेदपोश किस तरह से गुनाह के गलियारे में अपने कद को बड़ा कर रहा था, ये सबको पता चल रहा था। और एक वाक्य तो ऐसा होता है जब सबकी सब निगाहें बिहार की ओर मुड़ जाती हैं, यहां तक कि NIA को भी बिहार में
इस घटनाक्रम के बाद पहुंचना पड़ता है जांच के लिए, क्योंकि कुएं से बोरियों में AK-47 निकलती है और एक या दो बोरियां नहीं, बोरियों की संख्या भी बहुत थी। और इसका भी सरगना कोई और नहीं, ये कहा जाता है कि यही डॉक्टर डॉन था। ये अलग बात है कि जरायम की दुनिया में नरेंद्र पांडे से सुनील पांडे बना, और अब MA करने के बाद, इस जरायम की दुनिया में रहते हुए MA करने के बाद महावीर पर PhD करके उसने डॉक्टर की उपाधि भी हासिल कर ली, और फिर सुनील पांडे बन गया डॉक्टर डॉन। लेकिन डॉक्टर डॉन बनने के बाद उसकी हसरत और बढ़ने लग चुकी थी। हालांकि अब उसका वो चेहरा सबके सामने आ चुका था जिसको शायद सियासतदान भी दूर रखना चाहते थे, और यही हुआ। अगली बार जब उसे उम्मीद थी कि उसे टिकट मिले, तो उस समय लोजपा ने भी, यानी रामविलास पासवान की पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया। तब सुनील पांडे को अपनी पत्नी के लिए फील्डिंग करनी पड़ी, टिकट तो मिलता है लेकिन तरारी विधानसभा से 276 वोटों से उनकी पत्नी भी हार जाती है, यानी रसूख भी काम नहीं आया। अब ऐसे में उम्मीद फिर आगे के ऊपर छोड़ दिया जाता है, लेकिन कद कहीं ना कहीं अब सुनील पांडे का छोटा होता नजर आने लगा था। सुनील पांडे को बहुत उम्मीदें थी कि शायद साल 2020 में उसे LJP के टिकट पे फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, लेकिन LJP ने ना ही सुनील पांडे को टिकट दिया ना ही उसकी पत्नी को ये मौका दिया कि आप LJP की टिकट पर चुनाव लड़ें। हालांकि सियासी हसरत बहुत बड़ी थी, सुनील पांडे को लगता था कि उसका रसूख काम आएगा। उसने निर्दलीय ही तरारी विधानसभा से एक बार फिर से अपनी पत्नी का नामांकन दर्ज किया, लेकिन यहां भी जीत नहीं मिली, यहां भी शिकस्त मिली। यानी बुलेट के दम पर बैलेट हासिल जरूर करने की कोशिश करता रहा, डॉक्टर भी बन गया, लेकिन गुनाह के दुनिया का अंत शायद कुछ ऐसा ही होता है। वर्चस्व के इस किरदार के बारे में जो हमने आपको बताया है, उसका अंजाम भी ऐसा ही हुआ, यानी सलाखों के पीछे रहकर उसने आधी जिंदगी गुजारी और बची खुची जिंदगी में भी अब दरअसल सत्ता से उसकी दूरी, यानी जो उसके अरमान है वो और दूर होते दिखे। वर्चस्व में इस बार के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर एक नए किरदार की कहानी लेकर आऊंगा मैं। ख्याल रखें।